आइए अब हम संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के विषय में। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और जिसका उपयोग विभिन्न प्रक्रमों में प्रबल ऑक्सीकारक के तौर पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस तरह से बनाया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए अयस्क उपयोग में लाया जाता है, क्रोमाइट अयस्क, जो कि क्रोमियम का एक अयस्क है। और क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट तक बनाने तक की पूरी जो प्रक्रम है उसे हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले पद में हम जो क्रोमाइट अयस्क है उसका उसके द्वारा सोडियम क्रोमेट का निर्माण करते हैं और इसके लिए क्रोमाइट अयस्क को फ्यूजन मिक्सचर, जिससे हम सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसे हम कहते हैं फ्यूजन मिक्सचर, और इसके साथ परावर्तनी भट्टी में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। यहाँ पर उच्च ताप पर जब गर्म होता है तो ये जो क्रोमाइट अयस्क है वह सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो आयरन है वह फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो सोडियम क्रोमेट है उसका सूत्र होता है Na2CrO4। यह येलो कलर का सॉलिड है और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जो फेरिक ऑक्साइड होता है वह ब्राउन कलर का सॉलिड होता है। अब यहाँ पर जो हमें ये मिश्रण प्राप्त हुआ है उसका हम विलयन बनाते हैं और विलयन में चूंकि ये ब्राउन कलर के यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड भी उपस्थित हैं इसलिए इसे पहले फिल्टर कर लिया जाता है और वैक्यूम फिल्टर के द्वारा इसे हम फिल्टर कर लेते हैं और जिससे हमें येलो कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है सोडियम क्रोमेट का। दूसरे स्टेप में अब सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित किया जाता है और इसके लिए सोडियम क्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि अम्लीय माध्यम में एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है जिससे सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है जिसका सूत्र होता है Na2Cr2O7। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट और जल के अणु भी बनते हैं। यह जो सोडियम डाइक्रोमेट हमें प्राप्त हुआ है इसका विलयन ऑरेंज कलर का होता है और यह जल में काफ़ी बहुत ज़्यादा विलेय होता है। अब तीसरे स्टेप में ये जो हमें सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ है उससे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में इसका परिवर्तन करते हैं और इसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन है सोडियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है ये विलयन फॉर्म में होता है और इसमें जब हम पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो यहाँ पर जो पोटेशियम है वह सोडियम को रिप्लेस कर देता है और हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर जो विलयन होता है, चूँकि मैंने पहले ही बताया जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो काफ़ी विलेय है पोटेशियम डाइक्रोमेट की तुलना में, तो यह विलयन में ही रहता है जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्प विलेय होने की वजह से कुछ समय जब यह सॉल्यूशन रखा रहता है ऑरेंज सॉल्यूशन तो वहां पर हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से क्रोमाइट ओर को लेते हुए हम तीन पदों में पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स प्राप्त करते हैं। यदि हम इसके भौतिक गुण को देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे कि मैंने पहले बताया ये ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यह एक आयनिक यौगिक होता है और इसका उपयोग हम प्रबल ऑक्सीकारक के तौर पर करते हैं। यहाँ पर हम एक और बात जान लें कि पोटेशियम क्रोमेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट यदि विलयन फॉर्म में है तो ये विलयन के पीएच के आधार पर ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, यानी कि जो क्रोमेट आयन है वह डाइक्रोमेट आयन में तथा डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। क्रोमेट आयन जिसे हम Cr O4-2- से लिखेंगे और यह जब विलयन का जो माध्यम होता है यह पीएच कम होता है यानी कि विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है तो यह डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है और जो डाइक्रोमेट आयन जब विलयन का पीएच बढ़ जाता है यानी कि बेसिक मीडियम हो जाता है तो डाइक्रोमेट आयन
पुनः येलो कलर के क्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकी संरचना। तो पोटेशियम क्रोमेट, जिसका जो सूत्र है Cr(O)4-2-, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, जिसके केंद्र में क्रोमियम धातु होती है तथा जो चार ऑक्सीजन परमाणु हैं वह चतुष्फलक के कोनों पर उपस्थित रहते हैं। दूसरी ओर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना देखें, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना में दो क्रोमेट आयन एक दूसरे के साथ शीर्ष से जुड़े हुए होते हैं। ये एक जो ऑक्सीजन के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, और यानी कि दो चतुष्फलकीय संरचनाएं आपस में शीर्ष के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो क्रोमियम धातुओं के मध्य एक जो ऑक्सीजन है वो ब्रिज की तरह, ब्रिज एटम के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर हम देखें कि क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वह 126 डिग्री का होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो संरचना है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, यहाँ पर में जो जो क्रोमेट आयन है उसकी संरचना Cr(O)4-2-, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, तथा जो डाइक्रोमेट आयन है Cr(2O)7-2-, या डाइमर के रूप में है, इसमें दो चतुष्फलकीय संरचनाएं आपस में एक ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सोडियम डाइक्रोमेट के गुणों के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ साथ सोडियम डाइक्रोमेट भी प्रबल ऑक्सीकारक होता है, लेकिन जो सोडियम डाइक्रोमेट है वह जल में पोटेशियम डाइक्रोमेट की तुलना में अधिक विलेय होता है, और खासकर जो ऑर्गेनिक अभिक्रियाएं, कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें सोडियम डाइक्रोमेट का उपयोग ऑक्सीकारक के तौर पर किया जाता है। जैसे कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों में करना, तो यहाँ पर एल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत करने के लिए सोडियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम देखें कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है यह हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का होता है, यानी कि यह वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है, और इसीलिए जो आयतनमिति अनुमापन होते हैं, विश्लेषण होते हैं, वहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट का उपयोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जबकि हम देखें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक नॉन हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है, और इसीलिए इसका मानक विलयन बनाया जाता है विभिन्न अनुमापन से संबंधित प्रक्रिया, इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसका बनाया जाता है, और जिसका उपयोग विभिन्न वैश्लेषिक जो क्रियाएं हैं उसमें किया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की रासायनिक अभिक्रियाओं को। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक अम्लीय माध्यम में बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। हम जानते हैं कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसमें जो क्रोमियम है धातु, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +6, जो कि इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी कि इससे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये और इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी यहाँ पर अपचायक की तरह कार्य नहीं करेगा, यह हमेशा ऑक्सीकारक की तरह ही कार्य करेगा। और हम देखें कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है अम्लीय माध्यम में ही प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। इसके यहाँ पर हम देखें, जब अम्लीय माध्यम होता है तो यह जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की जब अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया कराई जाती है तो यह बनता है K2SO4Cr2SO4 whole 3 +4H2O+3 नेसेंट ऑक्सीजन यह उत्पन्न करता है, और इस तरह से यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और जिसके द्वारा यह विभिन्न यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है। इसे हम आयनिक अभिक्रिया के रूप में भी लिख सकते हैं। जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2- +14H+
प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसकी ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है उसमें यह डाइक्रोमेट आयन, जिसमें कि यह प्लस 6 ऑक्सीकरण अवस्था में है, जिससे यह प्लस 3 Cr3 प्लस यानी कि प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में यह रूपांतरित हो जाता है। इस तरह से यह स्वयं अपचयित हो जाता है जबकि सामने वाली स्पीसीज को यह ऑक्सीकृत करता है। आइए अब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के विषय में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं फेरस आयनों का फेरिक आयनों में परिवर्तन। फेरस आयन जिसमें कि आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 प्लस होती है और फेरिक आयन जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 प्लस होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया हम अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट से कराते हैं तो वहाँ पर जो फेरस सल्फेट है वह फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस अभिक्रिया को हम पूरा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 6FeSO4 इज इक्वल टू Cr2SO4 होल 3 प्लस यहाँ पर K2SO4 प्लस 7H2O। तो यहाँ पर हम देखें कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट में यह प्लस 6 ऑक्सीकरण अवस्था में था तथा यह यहाँ पर K2SO4 यहाँ पर यह क्रोमियम सल्फेट में यहाँ पर यह प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो गया है। दूसरी ओर यहाँ पर हम देखें जो फेरस सल्फेट जिसमें कि फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 थी, यह फेरिक सल्फेट जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 3 हो गई है में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीकरण हुआ है जबकि क्रोमियम का स्वयं अपचयन हुआ है। तो इस तरह से अम्लीय माध्यम में यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। इसी तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया अम्लीय माध्यम में H2S से कराते हैं तो यहाँ पर पुनः यह सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसकी समीकरण हम इस तरह से लिख सकते हैं K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S। जब इसकी क्रिया हम करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है K2SO4 Cr2SO4 होल 3 प्लस 3S। यहाँ पर हम देखें कि जो पुनः क्रोमियम प्लस 6 से प्लस 3 में परिवर्तित हुआ है जबकि यहाँ पर H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 थी क्योंकि यह दो हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखें कि सल्फर में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्योंकि यह परमाणविक रूप में आ गया है यहाँ पर शून्य हो गई है। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है यानी कि इसके ऑक्सीकरण अवस्था में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हुई है और इसलिए यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है जबकि क्रोमियम स्वयं अपचयित हुआ है। इसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट आयोडाइड आयनों को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। इसके लिए भी हम समीकरण लिख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जब इसकी क्रिया पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ कराई जाती है और यहाँ पर 7H2SO4 ये अम्लीय माध्यम रखा जाता है तो वहाँ पर हमें प्राप्त होता है पुनः K2SO4 Cr2SO4 होल 3 प्लस 3I2 प्लस 7H2O। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीकरण अवस्था से प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है यानी कि इसका अपचयन हुआ है तथा जो पोटेशियम आयोडाइड में आयोडाइड -1 ऑक्सीकृत अवस्था में था जबकि यह आयोडीन में कन्वर्ट हुआ है जहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। तो यहाँ पर आयोडाइड आयन का आयोडीन में ऑक्सीकरण हुआ है। इसी तरह से हम और उदाहरण ले सकते हैं जैसे स्टैनस क्लोराइड। स्टैनस क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकृत करके स्टैनिक क्लोराइड में परिवर्तित कर देता है। इसका समीकरण भी हम इस तरह से लिख सकते हैं K2Cr2O7 प्लस 14HCl प्लस 3SnCl2
जहाँ पर SnCl2 में हम देखें कि जो टिन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस टू है और ये परिवर्तित होकर हमें प्राप्त होता है 2KCl प्लस 3SnCl4 2CrCl3 प्लस 7H2O। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, जबकि यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड जिसमें स्टेनस प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में था, अब यह SnCl4 बन गया है, स्टेनिक क्लोराइड बन गया है, जहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 4 है। तो यहाँ पर टिन का प्लस 2 से प्लस 4 में ऑक्सीकरण हुआ है। इसी तरह से हम और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया जब HCl से कराई जाती है, अम्ल में के साथ होती है, तो यह HCl को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस 14 HCl, जब ये इनके बीच क्रिया होती है तो यहाँ पर हमें 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्राप्त होता है, साथ में 7H2O जल के अणु बनते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें कि जो HCl में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था माइनस वन थी, जबकि Cl2 में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। तो यहाँ पर क्लोरीन का Cl- से Cl2 में ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में बहुत सारे यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है। इसके बाद हम देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपयोग। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं विभिन्न उदाहरणों में कि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और इसीलिए जो विभिन्न प्रक्रियाओं में ऑक्सीकारक के तौर पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आयतनमिति अनुमापन होते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक मानक विलयन इसका तैयार होता है और इसलिए इसका उपयोग एक मानक विलयन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा जो क्रोम टैनिंग के रूप में यहाँ पर जो लेदर होते हैं, चमड़े होते हैं, उसकी टैनिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की डाइंग प्रोसेसेस हैं, यानी कि डाई करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रम में भी पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं दूसरे महत्वपूर्ण यौगिक पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और यह भी विभिन्न प्रक्रमों में बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए पाइरोलिसाइड ओर का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है MnO2। तो पोटेशियम पाइरोलिसाइड ओर से पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त करने के लिए हम दो पदों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अयस्क है MnO2, इसे हम फ्यूजन मिक्सचर यानी कि क्षार तथा ऑक्सीजन के मिक्सचर, जहां पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन इसके साथ फ्यूजन मिक्सचर के साथ हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें मैग्नेट आयन प्राप्त होते हैं। यहां पर मैग्नेट आयन में MnO4 2- इसका सूत्र है और यदि हम इसे यौगिक के रूप में लिखें तो यह होगा K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। ये जो पोटेशियम मैग्नेट है, इसका आगे दूसरे स्टेप में हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, यानी कि यहाँ पर जो हमें पोटेशियम मैग्नेट का सॉल्यूशन है उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन डालते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हमें पोटेशियम परमैंगनेट आयन यौगिक बनता है, जिसके फलस्वरूप हमें MnO4 माइनस आयन प्राप्त होते हैं, यानी कि परमैंगनेट आयन प्राप्त होते हैं। और ये परमैंगनेट आयन, ये जो सॉल्यूशन होता है, यह पर्पल कलर का होता है, जबकि इसके पहले हमने देखा जो मैग्नेट आयन होते हैं जिसके MnO4 2- इसका जो सॉल्यूशन होता है वह ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि जो मैग्नेट आयन है MnO4
टू माइनस जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसके इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हम परमैंगनेट आयन प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का MnO4 टू माइनस आयन है वह पर्पल कलर के MnO4 माइनस आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो पूरी प्रक्रिया है उसमें हम देखें कि MnO2 और है जिसका हम फ्यूजन मिक्सचर के साथ इसका क्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें पहले मैग्नेट आयन प्राप्त होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और इसके बाद हम इसका अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करते हैं या फिर हम इसका इलेक्ट्रिकल ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उससे हमें पर्पल कलर का पर मैग्नेट आयन MnO4- आयन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें, अब इनकी संरचना देखते हैं। तो यहाँ पर हम संरचना देख सकते हैं कि मैग्नेट आयन तथा पर मैग्नेट आयन दोनों की ही संरचना चतुष्फलकीय होती है। यहाँ पर जो मैग्नीज है वो केंद्रीय धातु के रूप में उपस्थित है, जबकि ऑक्सीजन चारों जो ऑक्सीजन परमाणु हैं वह चतुष्फलक के कोनों पर उपस्थित रहते हैं। तो दोनों की ही संरचना चतुष्फलकीय होती है। अब हम देखते हैं पोटेशियम मैग्नेट तथा पोटेशियम परमैग्नेट आयनों के चुंबकीय गुण को। पोटेशियम मैग्नेट में हम देखें कि जो मैग्नीज है उसकी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s2, और जब यह मैग्नेट आयन में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, मैग्नेट आयन जिसका सूत्र है MnO4 2-, तो यहाँ पर इसके जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है यह होती है +6, और जब यहाँ पर 3d5 4s2 में से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो उस समय हमें जो विन्यास प्राप्त होता है वह होता है 3d1, यानी कि इसके d ऑर्बिटल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो इस तरह से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मैग्नेट आयन पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, यानी कि ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, और साथ ही साथ क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह कलर भी शो करता है और यह ग्रीन कलर का होता है। दूसरी ओर हम देखें कि जब यह परमैग्नेट आयन में परिवर्तित होता है तो परमैग्नेट आयन में जिसका सूत्र है MnO4 1-, और इस समय इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज की +7 होती है, और जब यह +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा तो उस समय इसके जो डी ऑर्बिटल के 5 इलेक्ट्रॉन तथा 4s के 2 इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और इस स्थिति में जो इसका विन्यास होगा वह होगा 3d0 3d0, और यानी कि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, और इस वजह से यह डायमैग्नेटिक प्रकृति का प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। साथ ही साथ चूंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है इसलिए इसे रंगहीन होना चाहिए, लेकिन हमने जाना है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट या इसी तरह से के कुछ यौगिक जो होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया के द्वारा जिसे हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा ये कलर प्रदर्शित करते हैं, और यही कारण है कि जो पोटेशियम परमैग्नेट यानी कि उसमें जो परमैग्नेट आयन होता है वह पर्पल कलर का विलयन या पर्पल कलर शो करता है।